था, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके आज प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, सही विकल्पित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान की बुनियाद है, इसके ऑप्शन है द्विराष्ट्र सिद्धांत, कट्टरपंथी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत या धर्मांधता का सिद्धांत। तो इसका सब उत्तर है कि पाकिस्तान की बुनियाद है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। फिर है प्रश्न दूसरा कि शरणार्थी समस्या का प्रमुख कारण था लोगों का स्वेच्छा से पालन, लोगों का धर्म के नाम पर पलायन, लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन या फिर लोगों का अत्याचारों से बचने के लिए पलायन। तो इसका उत्तर है कि शरणार्थी समस्या का मुख्य कारण था लोगों का आत्मरक्षा के लिए पलायन। प्रश्न तीसरा है पाकिस्तान में से हिंदुओं का पलायन का मुख्य कारण था शासन द्वारा निष्कासन कार्य, स्वेच्छा से भारत में बसने की इच्छा, आतंक और अत्याचारों से बचने की व्यवस्था या भारत सरकार को बसने के लिए बुलाना। इसका उत्तर है कि पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन का मुख्य कारण था आतंक और अत्याचारों से बचने की व्यवस्था। फिर स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या थी 565, 560, 359 या 599। तो इसका है स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या लगभग थी 565। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में शासकों को यह सुविधा दी गई थी कि वे भारत या पाक में विलय या स्वतंत्र शासक बने रह सकते हैं। क्या दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में शासकों को यह सुविधा दी गई थी या तो वे भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में अपने विलय कर ले, तो छोटी छोटी रियासतें थी, या नहीं तो अगर वह अपना भारत और पाकिस्तान में विलय नहीं चाहते तो वह स्वतंत्र रूप से अपना शासन कर सकते हैं। अब हम इसी में देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि पाकिस्तान खालिस्तान की भावना को प्राथमिकता देता है, हमने अभी पढ़ा है। इसमें कौन सी भावना को? द्विराष्ट्र सिद्धांत की भावना को, की भावना को प्राथमिकता देता है पाकिस्तान। फिर दूसरा, भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान में बसने के लिए धर्म को आधार बनाया गया। फिर है तीसरा, खालिस्तान के कारण पाकिस्तान से हिंदू भारत आए थे। तो क्या है? कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचारों के कारण, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचारों के कारण पाकिस्तान से हिंदू भारत आए थे अत्याचारों। फिर है कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में खालिस्तान प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर है कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में सांप्रदायिक दंगे होना प्रारंभ हो गए।
रियासत का विलय करना चाहता था, मगर पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहता था। फिर है कि खालिस्तान कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। उत्तर है कि सैन्य कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इनके विलय में बहुत अधिक परेशानियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है कि शरणार्थी समस्या का कारण कौन सा राष्ट्र था। उत्तर है शरणार्थी समस्या का कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका था। बांग्लादेश और श्रीलंका शरणार्थी समस्या का कारण ये राष्ट्र थे। फिर है कि पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर किया गया था। तो पाकिस्तान का निर्माण द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया था। फिर है प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ किसने घुसपैठ की थी। जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ किसने घुसपैठ की थी। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पाकिस्तान स्थित कबाइलियों ने घुसपैठ की थी। क्या है? पाकिस्तान स्थित कबाइलियों ने घुसपैठ की थी। अब है प्रश्न, 1947 में जम्मू कश्मीर का शासक कौन था। तो 1947 में जम्मू कश्मीर का शासक राजा हरि सिंह थे। फिर है कि पाकिस्तान के किस भाग से शरणार्थी भारत आए थे। पंजाब और सिंध प्रांत से, जो पाकिस्तान में था, पंजाब और सिंध प्रांत से शरणार्थी भारत आए। फिर प्रश्न कि 1970 में भारत को किस क्षेत्र से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा था। फिर है कि किस व्यक्ति के प्रयासों से देसी रियासतों का विलीनीकरण संभव हो पाया। किस व्यक्ति के प्रयासों से? तो सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से रियासतों का विलीनीकरण संभव हुआ। उस समय पर सरदार पटेल ने बहुत सा जनसमूह एकत्रित किया, उनका जनमत संग्रह किया, तब जाकर यह संभव हो पाया था। इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये दो नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। फिर आठवां कि राज्यों के विलीनीकरण में किस गवर्नर जनरल ने सहयोग दिया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने राज्यों के विलीनीकरण में भारत को सहयोग प्रदान किया था। किस राज्य को देश में विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य को
ऊर्जा प्राप्त है। फिर है किस धारा के अंतर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो यह है धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिर है कि किस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी शरणार्थी को वापस लेने का आश्वासन दिया था, उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेशी शरणार्थी को वापस लेने का आश्वासन दिया था। फिर हैदराबाद में किस नाम से सेना गठित की गई थी, हैदराबाद रियासत में किस नाम से सेना गठित की गई थी, तो हैदराबाद में रजाकार नाम से सेना गठित की गई थी। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया गया था। किस राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया था, तो जूनागढ़ राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया। किस देशी राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी, तो हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। हैदराबाद देशी राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। अब कुछ प्रश्न उत्तर है जो एनसीईआरटी बुक के हैं, तो भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उत्तर है भारत विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यह वाला कथन गलत है। फिर है कि निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल कीजिए या सही जोड़ी बनाइए। पहला है धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, ये है भारत और पाकिस्तान। फिर है दूसरा विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण करना, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर भौगोलिक आधार पर देश की क्षेत्रों का सीमांकन करना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर आखिरी में बचा देश के भीतर प्रशासनिक राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, इसकी सही जोड़ी है झारखंड और छत्तीसगढ़। अब ये नक्शा है, हो सकता आप लोगों को नक्शे में आए, तो इसमें हमको देखना है प्रश्न की भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमा दिखाई गई हो और नीचे लिखी रियासतों के स्थान पर उसको चिन्हित कीजिए। तो पहला है जूनागढ़, ये है जूनागढ़। फिर है मणिपुर, ये मणिपुर इधर। मैसूर, ये है मैसूर। और है ग्वालियर, ये बीच में मध्य प्रदेश का नक्शा है, ये आता है यहाँ पर, ये नक्शे में ग्वालियर। अब है लघु उत्तरी प्रश्न की शरणार्थी समस्या क्या थी। सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक कुछ विषम परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का अगर उल्लंघन करते हैं और वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस तरह उन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है।
सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन करते हुए वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं तो इस तरह के लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। इनकी व्यवस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था ही शरणार्थी समस्या कहलाती है। फिर है प्रश्न कि राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता, विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों पर आधारित होती है। कश्मीर समस्या से क्या तात्पर्य है? तो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कब्जा, पाक समर्थित आतंकवादी गतिविधियां, अनुच्छेद 370 आदि जैसे जम्मू कश्मीर से समस्या को सामान्यतः कश्मीर की समस्या कहा जाता है। फिर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? तो कुछ भाषाई आंदोलनकारियों ने अपने देश की, अपने क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करना शुरू कर दिया था और इस तरह राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी।